नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह। आप सब हमारे ये कार्यक्रम देख सकते हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। यह हमसे जुड़ने का एक और जरिया है हमारा यूट्यूब चैनल, आप जानते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल। और अगले आधे घंटे के लिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं संस्कृत का ये सत्र। वैसे ये सत्र खास है हमारे 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए, पर यदि किसी और कक्षा के बच्चों ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है एनसीईआरटी ऑफिशियल के माध्यम से, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन से डाउट्स हैं। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय वसंत गीति, और हमेशा हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ते हैं। तो चलिए परिचय कराते हैं हमारे आज के मेहमान का आप सभी से। हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्र में। सर डिप्यूटी एडुकेशन ऑफिसर हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में, और यदि पूरे सत्र के दौरान आपके कोई भी सवाल हो तो एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो है 8800440559। और इसके अतिरिक्त एक मेल आईडी भी है कक्षा 9वीं के सभी छात्रों के लिए, तो ये मेल आईडी भी आप नोट डाउन कर लीजिए dth.class9@cieet.nic.in। तो डॉक्टर मिश्रा, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सत्र की और जानते हैं कि भारतीय वसंत गीति के अंतर्गत हमारे सभी शिक्षक क्या जानेंगे। जी, जैसा भारतीय वसंत गीति ही इस शीर्षक से जो पाठ रखा गया है और आपने इसकी चर्चा की अभी, ये भारतीय शब्द का अर्थ सरस्वती के पर्याय में प्रयोग होता है, अर्थात भारती माने सरस्वती। और वसंत काल में गायन किया जाने वाला जो एक गीत है उसे भारतीय वसंत गीत कह सकते हैं, या हम ऐसे कहें कि भगवती सरस्वती की जो वंदना है उस भगवती सरस्वती की वंदना को गायन के रूप में इस गीतिका में प्रस्तुत किया गया है। प्रतीक के रूप में सरस्वती जी का जो चित्र प्रयोग में होता है, वीणावादिनी, अक्षमाला, पुस्तक इत्यादि धारण किए हुए, ज्ञान की देवी मानी जाती है भगवती सरस्वती। तो प्रस्तुत जो पद्य, प्रस्तुत पाठ हम पढ़ने वाले हैं, यह पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है काकली नामक, उसमें गीतों का संग्रह है। उस गीती का संग्रह से यह एक पद्य संकलित है जिसमें भगवती सरस्वती से प्रार्थना करता है कवि कि आप इस प्रकार की धुन बजाइए, ऐसे वीणा का नाद कीजिए जिससे संपूर्ण वातावरण सुरभित हो जाए, संपूर्ण वातावरण संगीतमय हो जाए, चाहे वह जल का प्रवाह है, जल की तरंगे हैं, वायु का सुरभित प्रवाह है, या लोक के विभिन्न पक्षों को इस गीतिका में प्रस्तुत किया कि भगवती यदि आप वीणा का वादन करेंगी तो समाज जो है, एक वातावरण जो है, नवीनता को प्राप्त होगा। आप तुलना कर सकते हैं, निराला जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है वरदे वीणा वादिनी वरदे, वहां पर भी उन्होंने वीणा वादिनी से वर की याचना की है, प्रार्थना की है, और वहां पर बहुत सारे अपने मनोभावों को कवि व्यक्त किया है। वैसा ही यह भी एक गीत है। इसमें और भी पक्ष आते हैं कि स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह गीतिका है जो नवीन चेतना के संचार हेतु आवाहन करती है, यह इसका दूसरा पक्ष होता है जिसे वीणा स्वर के रूप में परिकल्पित किया गया है। और यह वीणा स्वर, यह वीणा रव ही स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, जन समुदाय को एक संकल्प दिलाता है कि हम अपनी नव चेतना का संचार करें, हम उस नव चेतना से एक परिवर्तनकारी कार्य करने में सक्षम हो सके। तो हम यद्यपि इस गीत को बहुत ही सस्वर तरीके से गाया जाता है और समय कम होने की वजह से हम अभी गायन पर समय नहीं देंगे, हम शब्दों की व्याख्या को देखते हैं, शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे आज की कक्षा में।
पुनः इसका द्वितीय भाग होगा तो उसमें इसके गायन के पक्ष को भी देखें, क्योंकि इतना मनोहर इसका गायन है। इसको जब हम बैठकर ध्यानमग्न होकर सुनते हैं तो बहुत ही एकाग्रता होती है, मानसिक शांति होती है। हम दूसरी स्लाइड में इसके देखेंगे कि प्रथम पंक्ति में ही कह रहे हैं, कवि का कहना है, निनादय नवीनाम ए वाणी वीणाम मृदुंगाय वीतिम ललित नीति लीना। आप नीचे श्लोक का या इस पंक्ति का अन्वय देख रहे हैं, ए वाणी के लिए है कि हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, तुम नवीन वीणा को बजाओ। नादय का अर्थ है बजाना, नद अव्यक्ते शब्दे, रद अव्यक्ते शब्दे धातु है, तो नादय का अर्थ नाद करो, जो अव्यक्त शब्द होता है ऐसी ध्वनि, और नी उपसर्ग जुड़ जाने से उसका अर्थ होगा निरंतर, अपनी वीणा को निरंतर बजाओ, कुछ समय के लिए नहीं अपितु ऐसा स्वर दो, ऐसा गान दो जिसमें जीवन का संगीत बजता ही रहे। कवि कहते हैं अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा बजाओ, कोई नया स्वर बजाओ, नया स्वर सुनाओ या एक ध्वनि करो। मृदुंगाय गीतिम, वो गीति कैसी हो तो कहा ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुगाय, ललित नीतियों से लसित हो, ललित नीतियों से युक्त हो, परिपूर्ण हो, ऐसी मधुर गीति और मृदुम गीतिम गाय कह रहे हैं। मृदु का अर्थ कोमल होता है, मधुर होता है, तो ऐसी गीति को सुनाओ जो अत्यंत मधुर हो, आह्लादकारी हो। संपूर्ण श्लोक का, संपूर्ण पंक्तियों का, इस गद्य खंड का सामान्य अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे गाय जो क्रियापद का प्रयोग है, लोट लकार का प्रयोग किया गया, यहाँ गाय अर्थात गान करो, उसका गायन करो। इसके अगले स्लाइड में हम देखेंगे प्रथम पंक्ति जो आ रही है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती हसरसा रसाला कलापा ललित को किला काकली नाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, अये वाणी वीणाम निनादय, यह इसका हर पंक्तियों में जुड़ने वाला वाक्यांश है, जिसमें यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अये सरस्वती नवीन स्वर को, एक नवीन वीणा बजाओ। नवीन वीणा बजाओ का तात्पर्य है अलग अलग वीणा को लेकर बजाओ नहीं, अपितु वीणा में ही किसी नए सुरभित तान का वितान करो, किसी नए स्वर को सजाओ। अब यहाँ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सभी छात्रों को ये पता होगा कि हम सरस्वती की वंदना, सरस्वती का पूजन वसंत पंचमी पर विशेष करके करते हैं। वर्ष में 3 दिन का उत्सव होता है जो वसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है, तो उस समय हम भगवती वीणा वादिनी सरस्वती की उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। तो यहां पर भी उसी वसंत ऋतु की चर्चा की जा रही है कि अन्वय आप देखेंगे, अन्वय देखने से पंक्तियों का अर्थ या गद्य पद्य खंड का अर्थ सहज स्पष्ट हो जाता है। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाहा सरसाहा रसालाहा लसंती, हे वीणावादिनी इह वसंते, इस वसंत ऋतु में, इस वसंत में
मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाहा। अब यह ये पूरा समस्त पद है जो कवि कह रहे हैं कि सरसाहा रसालाहा, रसालाह पद का अर्थ आम्र होता है। तो मंजरी जो है, आम की मंजरी है, वो कैसी है? तो कहा मधुर मधुर मंजरियों से युक्त पिंजरी भूतमाला, वो उन एक जगह पे गुच्छे की तरह बन जाती है। आप आम्र मंजरी को देखेंगे तो वो एक 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 अलग नहीं होता, अभी तो पीत वर्ण के गुच्छे के रूप में होती है। तो पिंजरी है अर्थात पीत वर्ण से युक्त हो गई है, वो गुच्छे पीले पीले वर्ण से युक्त है। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाहा, जो मधुर मधुर मंजरियां हैं इस वसंत ऋतु में, वो आम्र मंजरियाहा, आम्र मंजरियां कैसी हो गई हैं? तो माला की भांति हो गई हैं। पिंजरी भूतमालाहा मालाहवत परिकल्पिताहा आसन, मालाहवत मालावत परिकल्पिताहा सन्ति, सरसाहा रसालाहा लसन्ति। और वो कैसी हैं? तो सरस रसालों के ऊपर परिलसित हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। लस धातु जो प्रयुक्त है यहाँ पे वो सुशोभित होने के लिए है। तो आम्र मंजरियां पीत वर्ण को प्राप्त होकर जो गुच्छेदार हैं या लच्छेदार हैं, वो सरस रसालों के वृक्ष पर परिलसित हो रही हैं। उस वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं। और क्या है? तो ललित कोकिला काकली नाम कलापाहा विलसंति, यहाँ विलसंति क्रियापद का अध्याहार किया जा रहा है। ललित कोकिला काकली, कोकिला पद का अर्थ कोयल होता है, और कोयल की जो ध्वनि है, जो कूक होती है, उसे काकली नाम कह रहे हैं। काकली अर्थात बोली, उनकी कूक जो कुहक है। तो मधुर जो कुहू कुहू की ध्वनि है, उनकी जो काकली है, वो कलापाह विलसंति, कोकिलों का जो समूह है वो उस पे विलास कर रहे हैं, अर्थात आनंदित हो रहे हैं। उस आम्र वृक्ष के मंजरियों की शोभा को देख करके जो कोयल के समूह है, झुंड के झुंड जो उड़ने वाले कोयल हैं, वो अपने कुहू कुहू की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को गुंजित कर रहे हैं अपने ललित मधुर ध्वनि के द्वारा, विलास करने के लिए, आनंदित होने के लिए वह प्रेरणा दे रहे हैं और स्वयं भी आनंदित हो रहे हैं। इसलिए जब ऐसा वातावरण है तो इस वातावरण में जरूरत है कि हे भगवती, आप भी कोई एक नया स्वर निनादित कीजिए और उस स्वर से हम सभी भी आप्लावित हों, ऐसी कवि प्रार्थना कर रहा है। इस प्रथम पंक्ति में वसंत ऋतु में जो वातावरण का परिवर्तन होता है, वसंत के आगमन पर जो आम्र वृक्ष पर परिवर्तन होता है, आप देखेंगे कि उस रास्ते से अगर गुजरे तो वहां से निकलने वाली वायु हमारे संपर्क में जब आती है तो वह वायु भी सुरभित होती है, एक अलग मनमोहक सुगंध वाली होती है। उस ऋतु पर कवि सरस्वती से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवती, ऐसे वातावरण में एक नवीन स्वर आप भी दीजिए, एक नवीन स्वर आप भी बजाइए। द्वितीय पंक्ति में हम देखेंगे, इस स्लाइड की दूसरी जो पंक्ति है उसमें कवि पुनः यमुना के पुलिन का वर्णन करते हुए कहते हैं, यमुना के वर्णन में द्वितीय स्लाइड हम देखेंगे, मधुर मंजरी यह प्रथम स्लाइड है, और वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक
के मधु माधवी नाम। यहां पर यमुना के तट पर जो वृक्ष होते हैं, वेतस लताएं जो होती हैं, उससे घिरा हुआ जो तट है, उस तट पर जल बिंदुओं से पूरित जो वायु के प्रवाह से लताएं इधर उधर हो रही हैं, उनका वर्णन कवि कर रहा है। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे। अब इस पूरे पंक्ति को हम समझने के लिए अन्वय को देखेंगे। अन्वय में कलिंदात्म जाया कहा गया है। कलिंदात्म जाया, कालिंदी यमुना को कहा जाता है क्योंकि वह उनकी कलिंद की आत्मजा है, इसीलिए उनको कालिंदी कहा जाता है। यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। तो कलिंदात्म जाया का अर्थ है यमुना, यमुना के या की कह सकते हैं। तो कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, उनके नीर के तीर पर, अर्थात जो यमुना के जल का प्रवाह है, उस जल के प्रवाह से उन जल के प्रवाह को दोनों तरफ से रोकने के लिए जो तट हैं, क्योंकि अगर तट नहीं होंगे तो नदियां अपने क्षेत्र से बाहर होंगी। और आप देखते हैं वर्षा ऋतु में जब अपने तटों का अतिक्रमण कर नदियां बाहर हो जाती हैं, क्षेत्र से बाहर होती हैं, उस समय जल प्लावन की स्थिति होती है। कितनी समस्या, भीषण भयावह स्थिति होती है। लेकिन वही नदी जब अपने दोनों तटों के बीच में बहती है, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, तब वह हमारे लिए सुखदायी होती है। हमारे लिए का तात्पर्य है कि समस्त प्राणियों के लिए सुखदायी होती है। और वह एक आकर्षक सौंदर्य की भी जनिका होती है। ये कवि की दृष्टि देख रही है कि उस तट के किनारे जो वेतस लताएं हैं, वो वेतस लताएं समीरे समीर के वहने पर, वायु के प्रवाह होने पर, जब मंद मंद वायु का वहां पे प्रवाह होता है, तो लताओं से घिरे हुए जो तट है, मंदम मंदम वहति, वहति सति प्रयोग किया कि जब वायु का प्रवाह होता है उस समय मधु माधवी नाम नताम पंक्ति। यहां पे मधु माधवी लता का नाम है। लता का तात्पर्य अगर आप ना समझ रहे हो तो ऐसा समझ लीजिए कि जो वृक्षों के ऊपर लटकने वाली कुछ ऐसे पौधों पे लटकने वाली लताएं होती हैं, झुरमुट टाइप के, जो उस पे लटक करके नीचे को रहती हैं या उनकी शोभा को बढ़ाती हैं, वो अलग अलग नाम से हो सकती हैं। यहाँ पे मधु माधवी का नाम दिया गया है। जैसे ब्राह्मी एक लता है, बहुत सारी औषधियां हैं जो लता के रूप में होती हैं। यहाँ मधु माधवी लता को कह रहे हैं कि इस मधु माधवी लता जो है, ये वायु के प्रवाह से जल के ऊपर लटक रही हैं, और वायु के प्रवाह से धीरे धीरे जब हिलती हैं तो बहुत ही सौंदर्य धायक होती हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाली होती हैं, आकर्षक होती हैं। उनको देख करके सहज ही तासाम लता नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य। नताम अर्थात झुकी हुई, मधु माधवी लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, अवलोक्य अर्थात देख करके, मन सहज ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है, उन्हें देखता हुआ स्थिर हो जाता है। तो कवि इन वातावरण की परिस्थितियों को देख करके कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि हे भगवती, आप भी क्यों एक नया स्वर नहीं दे रही हैं, आप भी एक नया स्वर दीजिए। निनादय नवीनाम वीणाम निनादय।
आप भी नवीन वीणा का निनाद कीजिए, एक वीणा के नवीन स्वर का सूत्रपात कीजिए, जो इन वातावरण की परिस्थितियों को और सुरभित बना सके और मनमोहक बना सके और उपयोगी बना सके। इसी प्रकार से तृतीय हम खंड देखेंगे तीसरी स्लाइड में, जी जी जरूर, हम तीसरी पंक्ति में देखते हैं और यही हम अपनी बात को पूरी भी कर लेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु पुंजे स्वनंती ततिम प्रेक्ष मलिका मलिनाम अलीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणा। यहां पर लता पादपों से सुसज्जित जो वृक्ष हैं, लता पादपों से युक्त जो वृक्ष हैं, उन पर जो भौरे गुंजायमान होते हैं, जो भौरों की तति, तति का अर्थ श्रेणी होता है, तो वो जो पंक्तियां हैं उन्हें देख करके कवि के मन में एक भाव आता है, उसे यहाँ पे व्यक्त किया कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, जो ललित सुंदर शोभायमान पल्लवों से पत्तों से युक्त, पादप का अर्थ वृक्ष होता है, उन वृक्षों में पादपों जो पादप हैं वो ललित पल्लवों से युक्त हैं और पुष्प से युक्त हैं, पुष्प के समूह से युक्त है, वो पुष्प पुंज उसमें विद्यमान है, उसमें अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष जो रस को लेने के लिए, रसपान करने के लिए भौरे गुंजाए मान हो रहे हैं, भौरे उन पर आक्रमण कर रहे हैं, वो पुष्पों की सुंदरता, वृक्षों की सुंदरता, उस पर लगे नवीन पल्लवों की सुंदरता को इसमें वर्णित करते हुए और उस पर आकृष्ट जो द्विरेफ है, भ्रमर है, उसके स्वनन को, उसकी ध्वनि को कवि यहाँ वर्णित करते हैं और कहते हैं कि ऐसी सुंदर सुरभित परिस्थिति के अवसर पर हे भगवती आप भी अपनी एक नवीन स्वर का वितान कीजिए। और हम आज के पाठ में इतना ही इसको जानेंगे, शेष जो अवशिष्ट भाग है उसे द्वितीय भाग में पढ़ेंगे और उदाहरण के लिए हम फिर आपको एक आदर्श स्वर का भी और छंद का भी गायन कैसे किया जाएगा वो अभ्यास भी कराएंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस सबक से जुड़ी हुई हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की, शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैडम। हमारे जितने भी दर्शक जुड़े थे संस्कृत के इस कार्यक्रम के लिए आप सबका भी धन्यवाद। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनसीईआरटी के साथ। कुछ ही समय में हम वापस लौटेंगे अपने एक अगले सत्र के साथ। नमस्कार।